आसमान से बहुत सारे पैरासाइट धरती पर गिर रहे थे। उन्हीं में से एक पैरासाइट ऐसी जगह पर गिरा जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। अब वो पैरासाइट यहां पर अपना शिकार ढूंढने लगा, जिसके बाद उसे ये आदमी मिला जिसके कान से होते हुए वो उसके दिमाग में घुस गया और उस आदमी की बॉडी को उस पैरासाइट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो आदमी बाहर गया जहाँ वो सभी लोगों को अपने टेंटिकल से मारने लगा और देखते ही देखते उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार गिराया। उस जगह पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे और वो पैरासाइट उन कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से वहां की सरकार को पैरासाइट के बारे में पता चल गया। इधर सोइन रोज की तरह अपने काम पर लगी हुई थी। वो एक मार्केट में काम करती है। काम करते हुए एक आदमी से उसकी बहस होने लगी। वो आदमी सोइन के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था। वो आदमी एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था, इसीलिए सोइन ने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे वहां से जाने दिया। लेकिन वो आदमी पूरा सनकी था। शाम को काम खत्म करने के बाद सोइन अपने घर जा रही थी तो वो सनकी आदमी सोइन का पीछा करने लगा और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने सोइन को पकड़ लिया। वहां वो सोइन को पूरी तरह से मारने लगा। उसने चाकू से सोइन पर कई बार वार किए, जिसकी वजह से सोइन अधमरी हो चुकी थी। वो बस मरने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक पैरासाइट आ गिरा जो सोइन की बॉडी में चला गया और फिर उस पैरासाइट ने उस आदमी के बड़ी ही बेरहमी से दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद वहीं से गुजर रहे एक आदमी ने पुलिस और एम्बुलेंस को इस घटना के बारे में सूचना दी। सोइन को सही सलामत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में सोइन से मिलने सीनियर इंस्पेक्टर मीन आया, जो सोइन का अंकल भी है। हॉस्पिटल में उसको पता चला कि कल रात किसी ने सोइन को मारने की कोशिश की और सोइन के शरीर पर चाकू के बहुत सारे निशान पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये निशान बहुत ही पुराने हैं। सोइन से मिलने पर वो पिछली रात के बारे में उससे पूछने लगा। सोइन कहती है कि उस आदमी ने मुझे बहुत बार चाकू मारे, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। मिन बोला कि तुम्हारे शरीर पर कोई भी जख्म नहीं है और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उस आदमी ने तुम्हें चाकू मारे। जिस पर मिन बोली कि चाकू लगते ही मुझे वैसा महसूस हुआ जैसा मुझे बचपन में तब होता था जब डैड मुझे मारा करते थे। असल में बचपन में सोइन के डैड उसे बहुत मारा करते थे, जिसके बाद उसने खुद अपने डैड की कंप्लेंट कर दी और फिर मिन ने खुद सोइन को अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। इधर कैंग नाम का ये आदमी एक क्लब में आया हुआ था। वो पहले एक गैंग के लिए काम किया करता था, लेकिन किसी कारण से अब उसकी गैंग ही उसको मारना चाहती है, इसीलिए गैंग यहाँ अपने बॉस को मारने आया है। लेकिन वो अपने बॉस को मारने में कामयाब नहीं होता और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो भागकर सीधा अपनी बड़ी बहन के घर आ गया, क्योंकि गैंग के छुपने के लिए वो एक अच्छी जगह थी। गैंग अपनी बड़ी बहन से अपनी छोटी बहन चीनी के बारे में पूछता है कि चीनी कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस पर उसकी बहन बोली कि वो अब बहुत दूर जा चुकी है। कैंग की बड़ी बहन काफी अजीब बिहेव कर रही थी, जो कैंग को समझ नहीं आ रहा था। घर में कैंग को एक चर्च का कार्ड मिला, जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। इधर हॉस्पिटल में सोइन देखती है, उसके शरीर पर जो चाकू के निशान थे वो सच में भर चुके हैं, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सोइन पहले से ठीक थी तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बस में जाते समय उसके पास से एक आदमी गुजरा, जिसकी वजह से उसे अजीब सी एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। वो आदमी सोइन के पीछे वाली सीट पर बैठा उसे ही घूर रहा था। ये देखकर सोइन को काफी अजीब लगा तो वो बस से उतर गई। उसी शहर में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर लेकर आई। वो जिस बिल्डिंग में उसे लेकर आई वो बहुत पुरानी और सुनसान थी। इससे
इससे पहले कि ये दोनों वहाँ कुछ करते, वहाँ पर और भी लोग आ गए जो उस आदमी को मारने की बातें करने लगे। तभी उस लड़की ने उस आदमी को मारने के लिए अपने टेंटीगन निकाल लिए। असल में ये सभी पैरासाइट हैं और ये उस आदमी को मारने के लिए ही यहाँ लेकर आए हैं, और अभी तक ये बिल्डिंग ही इनका अड्डा था। इससे पहले कि ये पैरासाइट उस आदमी को मारते, वहाँ आर्मी आ गई और वो उन सभी पैरासाइट को मारने लगे। एक पैरासाइट वहाँ से बचकर भागने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि वहीं वैन में एक पैरासाइट को बांध कर रखा गया है और उसके मुंह पर मेटल का मास्क लगा हुआ था। इतने में वहाँ पर जून नाम की ये ऑफिसर आ गई जो उस पैरासाइट पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन किसी तरह वो पैरासाइट वहाँ से बचकर भाग निकला। कोरियन सरकार ने पैरासाइट से लड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है जिसे द ग्रे नाम दिया गया है। ऑफिसर जून इसी टीम की लीडर है। जब जून अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग के अंदर गई तो उसे वहाँ पर बहुत सारे इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट मिले। वहीं दीवार पर एक सिंबल बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस कार्ड में था। ये देखकर जून को समझ आ चुका था कि पैरासाइट ने अपनी एक पूरी टीम बना ली है। इधर रास्ते में सुइन को एक बार फिर से वही बस वाला आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही सुइन वहाँ से भागने लगी, पर तभी वहाँ पर कैंग की बड़ी बहन भी आ पहुँची। उन दोनों ने मिलकर सुइन को घेर लिया। वो सुइन को कहती है कि तुम हम में से एक हो, पर तुम इंसान बनने की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। कैंग भी अपनी बहन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच आया था। वो छुप कर ये सब देख रहा था। तभी सोइन पैरासाइट में बदलने लगी, जिसके बाद उस पैरासाइट ने सोइन से कहा कि हमें जीने के लिए एक साथ काम करना होगा, इसीलिए हम सब पैरासाइट चर्च में इकट्ठा हो रहे हैं। तुम चाहो तो हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। कैंग जो कि छुप कर ये सब देख रहा था, अब वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोइन ने उसे देख लिया और उसे पकड़ कर कहने लगी कि तुम अब मेरे बारे में सब जान चुके हो और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते ही सोइन बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो कैंग वहीं बैठा था। उसने सोइन को बताया कि तुम्हारे अंदर एक पैरासाइट है, जब तुम मरने वाली थी तो वो पैरासाइट तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया था। तुम्हारे शरीर में जिंदा रहने के लिए उसने तुम्हारे जख्म भर दिए, जिसकी वजह से वो तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया और अब तुम आधी इंसान हो और आधी पैरासाइट, और ये सब तुम्हें बताने के लिए मुझे उसी पैरासाइट ने कहा है। घर आकर सोइन ने एक पेज पर लिखा कि क्या सच में मेरे अंदर कोई है। ये लिख कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली और उस पेज पर लिखा था कि उस आदमी ने जो भी कहा है वो सब सच है। इधर मिन जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उधर आर्मी वाले सभी की चेकिंग कर रहे थे। मिन ने इसके बारे में अपने दोस्त वॉन से पूछा तो उसने बताया कि एक स्पेशल टीम हमारे साथ मीटिंग करने वाली है, ये सब उसी की तैयारी चल रही है। अंदर जून ने सभी को बताया कि मैं स्पेशल टीम द ग्रे की लीडर हूँ। जून वहाँ पर सभी को पैरासाइट के बारे में बता रही थी। वो लोग उस पर यकीन करे इसीलिए वो एक पैरासाइट को मारकर वहाँ लाई थी। उसने बताया कि कई दिनों पहले आसमान से बहुत सारे पैरासाइट दुनिया के अलग अलग कोनों में गिरे और उन्होंने इंसानों में घुसकर उसे अपना घर बना लिया। वो जिस भी इंसान के शरीर में घुसते हैं उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और अब वो इंसानों के बीच में ही रहकर इंसानों को मार रहे हैं। वो ये भी बताती है कि पैरासाइट एक सिंगल सेल से बने हैं, इसीलिए वो इंसानों के शरीर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, और अगर हमें पता करना हो कि कोई इंसान पैरासाइट है या नहीं तो बस हमें उसका एक बाल तोड़कर देखना है। अगर वो बाल टूटने के बाद मुरझा गया तो इसका मतलब है कि वो पैरासाइट है। इसके बाद जून सभी को अपने पति से मिलवाती है।
जो अब एक पैरासाइट है। वो बताती है कि पैरासाइट अपने ब्रेन का यूज करके अपने आसपास के पैरासाइट को पहचान लेते हैं। इसीलिए जब इस पैरासाइट के संपर्क में कोई और पैरासाइट आता है तो वो जून को सिग्नल देकर बता देता है। इसीलिए जून ने उसका नाम हंटिंग डॉग रखा है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके फेस पर जो मेटल का मार्क्स लगा है उसमें से एक केमिकल निकलता है जो उसे बहुत तकलीफ देता है। इधर सुइन के अंदर की पैरासाइट उसे लिखकर बताती है, मैं तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई और अब हमें जीने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। तुम उन पैरासाइट से दूर रहना। अगर उन्हें पता चला कि तुम अभी भी एक इंसान हो तो वो तुम्हें मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहती। और तुम्हारे दिमाग पर मेरा पूरा कंट्रोल ना होने के कारण मैं बस कुछ ही देर के लिए बाहर आ सकती हूँ और वो भी तब जब तुम्हें कोई खतरा होगा। उसने सोइन को एक वीडियो दिखाई जिसमें वो पैरासाइट में बदल रही थी। ये सब देखने और जानने के बाद सोइन काफी ज्यादा परेशान हो गई और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।